जिले भर में हनुमान जी जन्मोत्सव को लेकर काफी हर्षोल्लास देखा जा रहा है। इसी तरह हनुमान टेकरी पर लगने वाले मेले की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है, जिसमें लगातार प्रशासन पूर्ण व्यवस्था के साथ अपनी अपनी व्यवस्थाओं के प्रति सचेत बना हुआ है, जिससे मेले में किसी भी तरह की कोई भगदड़ और आम जनता को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। टेकरी पर होने वाले मेले के आयोजन के संबंध में टेकरी ट्रस्ट के पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि 16 अप्रैल शनिवार को हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें लगभग 10 लाख की संख्या में श्रद्धालुओं के पधारने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि पिछले बार कोरोना काल का समय था जिसमें श्रद्धालुओं का आवागमन नहीं हुआ था और ना ही मेले का आयोजन किया था। जन्मोत्सव पर जिला कलेक्टर, नगरपालिका, विद्युत मंडल व पुलिस प्रशासन के साथ साथ अन्य विभागों द्वारा अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाली जाएगी। समस्त श्रद्धालुओं के वाहन रखने के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है और एक तरफ जाने का रास्ता व दूसरी तरफ आने का रास्ता का भी चयन किया गया है। टेकरी ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा श्रद्धालुओं से ये निवेदन भी किया गया है कि अगरबत्ती और दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाएगा। गुना से सोनू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। के मेला को लेकर क्या तैयारियां हैं टेकरी पर, हनुमान टेकरी पर? 16 अप्रैल शनिवार को हनुमान जी का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। हनुमान टेकरी पे भव्य मेला लगेगा। जिला प्रशासन, कलेक्टर, पुलिस प्रशासन, एमपीबी, पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका जोर शोर से कार्य कर रही है। पीएचई जोर शोर से प्रशासन लगा हुआ है मेले के सहयोग के लिए और लगभग 10 लाख जनता दर्शन करने आएगी सुबह 3 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक। क्योंकि 2 साल से कोरोना के संकट के कारण टेकरी का मेला नहीं लग पाया, लेकिन अब जनता जनार्दन रुकी हुई है और हनुमान उत्सव पर सुबह 5 बजे आरती होगी और रात की आरती 12 बजे होगी। मैं जनगुना की शानदार जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि सुबह 5 बजे आरती में पहुंचे और 2-व्हीलर वाहन सुबह 5 बजे वहां पार्किंग में खड़े हो जाएंगे, ऊपर तक नहीं जाएंगे। 4-व्हीलर वाहन भी ऊपर तक नहीं जाएंगे, पार्किंग में रुकेंगे। आप जनता से अनुरोध है कि अगरबत्ती का उपयोग ना करें, दीपक का उपयोग ना करें, खड़ा नारियल माला जी के चरणों में चढ़ेगा, दीपक और अगरबत्ती नहीं लगेगी। और सारी व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष परम सम्मानी नारायण अग्रवाल जी, गुलशन जुनेजा जी, चिरौंजी लाल जी, ओपी बरोनिया जी, लक्ष्मण प्रजापति जी, आपके सारी टीम, ट्रस्ट के सभी लोगों ने जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं और मेले की शानदार व्यवस्था जनता जनार्दन के लिए की है। जनता को कोई तकलीफ ना आए और जाने का रास्ता नीचे से रहेगा रोड से, आने का रास्ता जीने से रहेगा। जनता जनार्दन से निवेदन है कि आकर प्रभु के दर्शन करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें और बालाजी के चरणों में अरदास लगाएं। टेकरी सरकार की जय, जय हिंद, जय भारत, यह टेकरी सरकार की जय। हनुमान टेकरी मेला को लेकर क्या तैयारियां हैं यहां पर? हनुमान टेकरी मेले की इस बार विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें जो मेन रोड बनाया गया है उसको 80 फुट चौड़ा किया गया है। 1 जनवरी की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पूरा सहयोग करके उसको 80 फुट चौड़ा बनाया है, जिससे धार्मिक प्रेमी जनता को आने जाने में सुविधा रहे, किसी भी तरह की रास्ते में बाधा ना आए, जाम ना लगे, ये सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रख के इसकी व्यवस्था की गई है। लाइट का डेकोरेशन इस साल और सालों की अपेक्षा और बढ़िया अच्छे से अच्छा किया गया है। फूलों का डेकोरेशन भी बहुत खूबसूरत होगा और 3 साल के बाद मेला भरने की वजह से यहाँ पर है ना सभी काम एकदम दुरुस्त हो रहे हैं और प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। बार बार जिला अध्यक्ष महोदय हमारे मीटिंग लेके और व्यवस्थाएं देख रहे हैं। श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सुविधाएं, क्या व्यवस्थाएं रखना चाहिए, अपनी क्या रखना चाहिए, उन्हें क्या? श्रद्धालुओं को आने जाने की व्यवस्था अलग से की गई है, वन वे रोड किए गए हैं दोनों जगह से और ऊपर जाने के बाद भी, दर्शन होने के बाद वापसी भी अभी वन वे रहेगा, जैसे है ना किसी भी तरह की बीच में व्यवधान ना हो, धक्का मुक्की ना हो, किसी के कोई तकलीफ ना हो। और प्रसादी क्या, नारियल फोड़ने, अगरबत्ती वगैरह इसके ऊपर? अगरबत्ती, नारियल, दीपक टोटल है ना बंद है, कोई भी कहीं भी दीपक ना लगाए, अगरबत्ती ना लगाए, नारियल ना फोड़े, नारियल साबत चढ़ेगा बालाजी को। और कृपया शहर की जनता इस सारी कार्य में आपको सहयोग करे, जिससे कोई भी अप्रिय घटना होने से बचे। टेकरी
टेकरी मेला को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? सर्वप्रथम तो हनुमान जयंती का ये विशाल मेले का जो आयोजन हो रहा है, पिछले दो वर्ष में कोरोना महाकाल को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने और जिला प्रशासन ने यहाँ मेले की अनुमति नहीं दी थी, और चूँकि क्या है कि बालाजी सरकार की कृपा से, टेकरी सरकार की कृपा से हमारे गुना जिले में, गुना शहर में कोरोना की जो महामारी है वह एक तरह से थमसी गई है, और इस वर्ष बालाजी सरकार के इस विशाल मेले के आयोजन को देखते हुए जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट दोनों ने बहुत व्यापक तैयारियां की हैं, और हमारा जनता जनार्दन से ये अनुरोध है कि आवागमन की व्यवस्था में और मंदिर में जो दर्शन करने जाएं वहाँ पर दीपक अगरबत्तियों का जो रोक लगाया गया है उसका पालन करें, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जो आते हैं उनका माता बहनों से अनुरोध है वो उनका ध्यान रखें, उनका हाथ ना छोड़ें, उनका साथ ना छोड़ें, और जेब कतरों से सावधान रहें, अपने आभूषणों का और मोबाइल का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि मेले में विशाल भीड़ को देखते हुए सरकार की छोटी मोटी दुर्घटनाएं संभावित हैं, और इसके लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरह से जो है कमर कसे हुए है, सारे मंदिर परिसर को CCTV कैमरे में कैद कर दिया गया है, कहीं पर भी अगर जरा सी भी दुर्घटना होगी तो संभावित व्यक्ति को तत्काल पुलिस प्रशासन के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा दंडित किया जाएगा। क्या पद है ट्रस्ट में अभी आप पर? मैं हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट का यहाँ पर उपाध्यक्ष हूँ, चरौनी लाल प्रजापति मेरा नाम है, और आप सभी जनता जनार्दन को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ हमारे मंदिर ट्रस्ट परिवार की ओर से, आप सुखी रहें, संपन्न रहें, टेकरी सरकार की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे, आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास हो, इसी वाणी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मेले को लेकर क्या तैयारियां हैं यहां पर प्रशासन की ओर से और आप लोगों की ओर से क्या तैयारियां की जा रही हैं? पहले तो मैं हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सभी भक्तजनों का आभार व्यक्त करता हूं और उनसे आशा करता हूं मेले में हमें पूर्ण सहयोग दें, और इस बार कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, जो पूरे शहर में LED लाइट लगी है, इस बार हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट जो बूढ़े बालाई से लेकर टेकरी तक मार्ग है वहाँ पूरे में कलेक्टर साहब ने, हम कलेक्टर साहब को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ट्रस्ट के आग्रह पे पूरे में LED लाइट लगवाई है। दूसरा, आज से 4 रोज पहले से मंदिर की तैयारियां चल रही हैं, साफ सफाई व्यवस्था और लाइटिंग व्यवस्था जो भी है बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है, और हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक तरफ से जाने का रास्ता होगा, जो जीनों की तरफ से उतरने का रास्ता होगा, प्याऊ के पास में जूता स्टैंड होगा, जो भक्त अपने जूते वहां से उतार कर मंदिर से दर्शन कर सिद्ध बाबा से होते हुए पीछे की परिक्रमा से होते हुए जूता स्टैंड पे पहुंचेंगे और जूता पहनकर सीढ़ियों से वापस मेले के अंदर प्रवेश करेंगे, यहाँ पर मेला का आनंद लेते हुए अपने घर को वापस जाएंगे, और जूता स्टैंड फ्री सेवा रहेगा, और यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से, चिकित्सालय रखा गया है, किसी को भी कोई परेशानी आती है तो शासन की तरफ से आपको निःशुल्क दवाई वितरण की जाएगी। क्या वर्तमान में ट्रस्ट में दायित्व है आप पर? हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट कोषाध्यक्ष गुलशन कुमार जुनेजा।